दोस्तों आज के सभी न्यूज़पेपर में पहले ही पन्ने पर आपको एक ही टॉपिक की अलग अलग हेडलाइन देखने को मिली होगी, जैसे कि ये अमर उजाला की हेडलाइन, पहले ही दिन रचा इतिहास महिला आरक्षण बिल, एनबीटी की नारी शक्ति के वंदन को बढ़े कदम, जागरण की नए संसद भवन में नारी शक्ति वंदन और जनसत्ता की नारी शक्ति वंदन के साथ प्रवेश। कुल मिलाकर दोस्तों महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है पीएम मोदी का फेंका हुआ प्रोजुमला सफल रहा है। शायद कल से जो अखबार आएगा उसमें हेडलाइन 10 साल आगे की होगी, जैसे 2029 में महिला आरक्षण लागू, 2047 में बेरोजगारी खत्म, 2023 के लिए हेडलाइन की कमी का यह मास्टर स्ट्रोक समाधान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों यह बिल पेश जरूर हुआ लेकिन हमारे देश की महिलाओं को इसका फायदा जल्द मिलते नहीं दिखता। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यह बिल जनगणना के बाद ही लागू होगा और जनगणना 2021 में ही होनी थी जो कि आज तक नहीं हो पाई। आगे यह जनगणना कब होगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों में कहीं 2027 तो कहीं 2028 की बात कही गई है। इस जनगणना के बाद ही परिसीमन यानी निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा, तब जाकर महिला आरक्षण बिल लागू होगा। मतलब साफ है दोस्तों कि पीएम मोदी ने चुनाव से पहले एक और जुमला फेंका है और यह जुमला अब तक का सबसे बड़ा जुमला है। दोस्तों लोकसभा में जब महिला आरक्षण बिल पेश किया गया तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की महिला पात्रों के नाम याद आ गए। संसद में महिलाओं के आरक्षण की बात पिछले 27 सालों से चल रही है। 19 सितंबर को जब इस बिल को लाया गया तो मन में सवाल आया कि क्या बुधिया, धनिया या अमीना जैसी महिलाओं को लोकतंत्र के इस मंदिर में आने का मौका मिलेगा। दोस्तों यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये बिल कानून बन जाता है तो इससे आम महिला को क्या फायदा होगा? क्या एक मामूली आम गरीब परिवार की महिला को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से ताल्लुक ना हो, क्या उसे लोकतंत्र के मंदिर में जाने का कभी मौका मिलेगा? दोस्तों ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो आंकड़े हैं वो हैरान कर देते हैं। वर्तमान में जो भी महिला सांसद है वो किसी मिडिल क्लास फैमिली से नहीं है। आइए आपको पूरे आंकड़ों से रूबरू कराते हैं। लोकसभा में अभी 78 महिला सांसद है लेकिन इनमें से 32 सांसद या तो नेताओं की पत्नी है या नेता की बेटी। राज्यसभा में भी नेताओं के परिवार का दबदबा है। पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक महिला सांसद है लेकिन वहां फिल्म अभिनेत्रियों का दबदबा है। 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से 11 महिला जीतकर लोकसभा पहुंची। बिहार में 3 महिला सांसद है और तीनों नेताओं की पत्नी। झारखंड से 2 महिला सांसद है, दोनों सांसद विरासत संभाल रही है। महाराष्ट्र से 8 सांसद महिला है, इनमें से 4 नेताओं की बेटी और 2 नेताओं की बहुए है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, मेघालय, पंजाब और छत्तीसगढ़ महिला सांसद को राजनीति विरासत में मिली है। बंगाल से 11 महिला सांसद चुनकर लोकसभा पहुंची जिसमें से 4 सांसद फिल्मी बैकग्राउंड से है। इतना ही नहीं, यूपी के मथुरा सीट से हेमा मालिनी और चंडीगढ़ सीट से सांसद किरण खेर की भी एंट्री फिल्मी दुनिया से हुई है। दोस्तों बीजेपी चाहे किसी को भी चुनाव में टिकट देकर उम्मीदवार बना दे, फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा में बीजेपी को वोटर सिर्फ मोदी के नाम पर वोट डालता है, फिर चाहे वो कंगना रनौत को ही चुनाव में उतार दे। सनी देओल और गौतम गंभीर कौन से नेता थे? दोनों मोदी के नाम पर ही चुनाव जीते थे। दोस्तों महिला आरक्षण बिल का बीजेपी के साथ ही कांग्रेस ने भी खुलकर समर्थन किया है लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों पार्टियों की ओर से शीर्ष पद पर महिलाओं को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। देश में बीजेपी की 10 राज्यों में सरकार है लेकिन एक भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। इसी तरह देश में कांग्रेस की सत्ता 4 राज्यों में है। आम आदमी पार्टी की भी 2 राज्यों में सरकार है लेकिन पार्टी ने किसी भी राज्य में महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। दोस्तों जैसे इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिली लगभग सत्ता पक्ष और विपक्ष इससे सहमत थे
और जब ये बिल लोकसभा में पेश हुआ तो लोगों ने कहा ये तो मोदी ने लॉलीपॉप दे दिया है। आम आदमी पार्टी की मंत्री अतिशी ने कहा मोदी सरकार का चुनावी लॉलीपॉप है महिला बेवकूफ बनाओ बिल। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी जी ने अपने जुमलों से इस देश की महिलाओं को भी नहीं बख्शा। श्रीनिवास बीवी कह रहे हैं कि ये तो जुमला प्रोमैक्स है और राजीव रंजन कह रहे हैं कि महिला आरक्षण 2029 के चुनाव में लागू होगा तो क्यों विशेष सत्र इतनी इमरजेंसी में बुलाया गया। दोस्तों ये बिल पेश हुए अभी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं कि तस्वीर बदल गई है। अब विपक्षी पार्टियों ने महिला आरक्षण बिल के विरोध का रास्ता खोज लिया है। 18 सितंबर को संसद के विशेष सत्र के पहले दिन तक जो कांग्रेस सरकार से महिला आरक्षण बिल लाने की मांग कर रही थी, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक जिस बिल के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे थे, लोकसभा में कांग्रेस के फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी जिस बिल की क्रेडिट ले रहे थे, उस कांग्रेस के अब सुर बदल गए हैं। सपा, आरजेडी और जेडीयू के साथ कांग्रेस भी अब इस बिल के विरोध में आ गई है। और यहाँ पर इस बिल का विरोध बस इसलिए है कि ये बिल 2024 में लागू नहीं होगा तो क्यों लाया गया अब ये बिल, बस एक यही मुद्दा है। दोस्तों इस बिल से जुड़ी जो समस्या है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कहीं ये बिल कानून बन भी गया तो कहीं सारे बड़े नेताओं की पत्नियां और परिवार की सदस्य ही सारी टिकट ना ले ले, क्योंकि पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण के बाद भी यही हुआ था। सरपंचों की पत्नियां ही सरपंच बनने लगी और अब जो महिला सांसद है उनका इतिहास तो हम आपको बता ही चुके हैं। कोई राजनीतिक परिवार से आती है तो कोई अभिनेत्री है। ये सब देखकर ही लगता है दोस्तों कि आम महिला को लोकतंत्र के इस मंदिर में मौका कभी नहीं मिलेगा शायद। अगर पार्टी ऐसी महिला को टिकट दे जो बड़े राजनीतिक खानदान से नहीं आती तो शायद किसी और को मौका मिल सकता है। आपकी मोदी जी के इस जुमले पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।